सर वो जो एक महीना मैं यहाँ आया था वो कम हुआ था, एक महीना मैंने नहीं कमाया, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैंने उससे डबल कमाना शुरू कर दिया था। तो मैं आपकी जबानी बोल सकता हूँ कि एशिया टेलीकॉम में अगर स्टूडेंट पढ़ के गया है तो उसकी कमाई में कमाई बढ़ेगी। सही था सर, जो काम हमारे यहाँ से रिटर्न जा रहा था वो अब रिटर्न नहीं जाता है, तो कमाई बढ़ती ही है। तो व्यूअर से हम व्यूअर को बताना चाहते हैं कि वो होता है कि नहीं होता। हाँ होता है ना, मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया अभी तो। अगर जैसे अभी आप अगर UFS के लिए आते हैं तो आपको UFS के लिए कुछ अलग से पैसा देना? नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइफ टाइम जब भी कोई अपडेट आता है तो हम आ सकते हैं। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 वाई वन है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? मेरा नाम शुभम भावसार है। शुभम कहाँ से आ रहे? मैं खरगोन से। खरगोन से? हाँ, मध्य प्रदेश। खरगोन से? हाँ, खरगोन मध्य प्रदेश में जा रहा है। चलिए, वो जबलपुर भी मध्य प्रदेश में ही है। हाँ, कितना डिस्टेंस है खरगोन से? 561 किलोमीटर का, काफ़ी बड़ा है मध्य प्रदेश। चलिए, तो आप कौन सी बैच के स्टूडेंट थे? मैं 5 अगस्त 2019। तो अभी आज अभी मैं डबल डेकर के लिए आया हूँ। जब हमारे टाइम पे डबल डेकर नहीं था ज़्यादा। अच्छा, तो अभी मैं अपडेट के लिए आया हूँ। तो ऐसा कोई बॉन्ड साइन करा था? नहीं नहीं, आपने कि भैया डबल डेकर आ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पर सर ने मैसेज डाला था कि अपडेट हो तो आ सकते हो आप कभी भी। सर ने खुद ने मैसेज डाला था? हाँ, तो फिर हम ये अप्रोच लगाने के लिए कोई मतलब कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट मैसेज डाला। देखो, जैसे आपको हम बता दें कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप जब एक बार पढ़ते हो और दूसरी बार आपको अगर बैकअप की आवश्यकता होती है तो उसके लिए वो चार्जेबल है। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जिंग नहीं लिया सर ने। तो एशिया टेलीकॉम बोलता है तो हम व्यूअर को बताना चाहते हैं कि वो होता है कि नहीं होता। हाँ, होता है ना, मेरे से कोई चार्जिंग नहीं लिया। शुभम, ये बताओ मेरे को कि कोई स्टूडेंट मेरे पास एक साल पहले पढ़ के गया तो क्या वो जो जितने दिन की क्लास लेगा तो सारा एक बार में ज्ञान ले सकता है क्या? नहीं, एक बार में नहीं ले सकता, पर जितने परसेंट भी वो काम करता है उतना। हाँ, जितने परसेंट वो काम सीख के जाता है उसको काम करना होता है, काम करना होता है, फिर 4 बार आना पड़ता है। हाँ, कुछ समय के लिए प्रैक्टिस भी जरूरी रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, तो अगर एक इंस्टीट्यूट का चुनाव करते समय कितना ज़रूरी है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाया जाए जहाँ बड़ी टीम हो और साथ में बड़ी टीम के साथ बैकअप की टीम हो, बैकअप की टीम के साथ में उनको वर्चुअल सपोर्ट भी मिलता हो? जैसे कि आप अगर अपनी शॉप पे हो, मुझे मिलता है सपोर्ट, पूरा मिलता है सपोर्ट आपको? हाँ, पूरा मिलता है सर। तो इंस्टीट्यूट का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, एक तो अपडेट, जैसे हमारे टाइम पर डबल डेकर नहीं था, पर अभी डबल डेकर आया तो सर ने हमारे को उसका भी नॉलेज पूरा दिया, और अभी हो सकता है आने वाले समय में UFS का जो रहे तो UFS का भी अपडेट आता है। हाँ, तो भी हम उस समय आएंगे। तो आप वन टाइम फीस ही दी? हाँ, मैंने वन टाइम फीस दी और उसके बाद कोई फीस नहीं। तो शुभम यार आए तो रहना खाना आपका रहता है? हाँ, रहना खाना हमारा है, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था आपने 2019 में, तो आपको कैसा लग रहा है कि मतलब सही जगह अच्छा लग रहा है और अच्छी जगह आया हूँ, और जो मेरी जो उस समय भी कुछ समस्या रह गई थी वो अभी मेरी पूरी सॉल्व हो गई है। जैसे MMC में भी उस वक्त
प्रोसेस अलग थी, अब अपडेट आते हैं सॉफ्टवेयर के, तो बहुत सारे मुझे सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, बॉक्सेस का अपडेट आता है, फाइलों का अपडेट आता है, वर्जन चेंज हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और आपने जो MMC PCP थी उसमें भी अपडेट आ गया, उसमें भी अपडेट आ गया है ना, यूएफएस आ गया अभी। तो अगर जैसे अभी आप अगर यूएफएस के लिए आते हैं तो आपको यूएफएस के लिए कुछ अलग से पैसा देना? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, लाइफ टाइम जब भी कुछ अपडेट आता है तो हम आ सकते हैं एशिया टेलीकॉम में। अच्छा, क्या बोलना चाहोगे एशिया टेलीकॉम और देवरत्न सर की टीम के बारे में? बढ़िया है और अच्छा अनुभव रहा मेरा। क्या बोलेंगे अगर तुम्हारे क्षेत्र से कोई आना चाहे तो, क्षेत्र से ओवरऑल कहीं से भी आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा अनुभव है, सिखाने का तरीका भी अच्छा है और उसका रिजल्ट हमारे क्षेत्र में ही दिख जाएगा ना कि हम काम किस तरीके से। अच्छा शुभम, यह बताओ मेरे को कि जब तुमने पहली बार एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया था तो आपकी कमाई पे प्रभावित होती है? सर वो जो एक महीना में यहाँ आया था वो कम हुआ था, एक महीना मैंने नहीं कमाया, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैंने उससे डबल कमाना शुरू कर दिया था। तो मैं आपकी जबानी बोल सकता हूँ कि एशिया टेलीकॉम में अगर स्टूडेंट पढ़ के गया है तो उसकी कमाई में कमाई बढ़ेगी। सही था सर, जो काम हमारे यहाँ से रिटर्न जा रहा था वो अब रिटर्न नहीं जाता है, तो कमाई बढ़ती ही है। चलिए ठीक है, अब और आपसे मैं लास्ट में यही पूछना चाहूँगा कि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हूँ। बैकअप की बैकअप में जो आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है? हाँ। और आप कितनी बार आ सकते हैं एशिया टेलीकॉम? लाइफ टाइम है सर के तरफ से, तो पर हमें जो जो प्रॉब्लम आएगी वो सर मतलब कभी भी आ सकते हैं। सर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?